Hello everyone, welcome back to the platform of Dedicated Learners. I'm Shomodip Mukherjee and I'm currently pursuing Chemical Engineering from Jadavpur University. तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि मैंने मुझे एडवांस के प्रिपरेशन के दौर में वो कौन सी ऐसी गलतियाँ की थी जिसके वजह से मेरा जेई एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था। तो देखो 26 मई को हमारा जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है। लास्ट ईयर 4 जून को मैंने जेई एडवांस का एग्जामिनेशन दिया था और मेरा मार्क्स आया था 81। हाँ, मार्क्स कहना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा रैंक नहीं आया था, क्योंकि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर जेई एडवांस का कट ऑफ गया था 86 फॉर जनरल्स और मेरा 81 मेरा मार्क्स था। तो देखो, आपके जहन में यह आ रहा होगा कि ये कौन है हमें गाइड करने वाला, जो जिसका खुद का जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ, जो खुद IIT नहीं जा सका या किसी NIT में टॉप ब्रांच नहीं ले सका, जेई मेंस में इसका 99% नहीं आ सका, ये कौन है कैमरा के आगे बैठ के हमें ज्ञान देने वाला। तो ये तो एक लूज़र है, बट लुक, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए लूज़र। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जेई एडवांस में आपका ऑल इंडिया में 15,000 to 16,000 सीट्स होते हैं। तो क्या इसका मतलब जितने 12-13 लाख एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 15% विनर्स है और बाकी 15,000 विनर्स है और बाकी सब लोग लूज़र्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम उस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में देखें या फिर हमने जो टारगेट लिया था कि हमें जो एडवांस क्लियर करना है, शायद उस पर्सपेक्टिव से हम एक लूज़र है। लेकिन क्या एक एग्जामिनेशन आपका डिफाइन करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपने जेई मेंस में अच्छा परसेंटेज लाया है, अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं, NIT में हैं, IIIT में हैं, IIST में हैं, या फिर आपने WBJEE में अच्छा रैंक करके दिखा है, आप जादवपुर में हैं, कल्याणी, JGEC के टॉप ब्रांचेस में हैं, तो भी क्या आप लूज़र हैं? अगर IIT के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद हाँ, हम जैसे स्टूडेंट्स एक लूज़र हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि IIT में ना होने के बावजूद हमने हार नहीं माना और हमने एक अच्छा डिसेंट कॉलेज हमने क्रैक किया है। तो ये आसान नहीं होता आपने हार के बारे में बात करना। सिटिंग हियर मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि मैं जादवपुर में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे लिए कहना ये आसान नहीं है कि मेरा IIT क्रैक नहीं हुआ। बट यू शुड ऑलवेज हैव दैट गट्स कि नहीं, मेरा नहीं हुआ। हाँ, मैंने मिस्टेक्स किए थे, मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स थे जिसके वजह से मेरा IIT नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में लूज़र हो गया। अगर मेरा वो नहीं हुआ तो मैं लूज़र हो गया हूँ। आई एम ब्लेस्ड टू गेट व्हाट आई हैव डन। सो ऐसा नहीं है कि IIT नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। बट ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना। तो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है, जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है वो लोग अच्छा एग्जामिनेशन देंगे, IIT मिलेगा तो IIT में ज़रूर जाएंगे। लेकिन जिनका IIT भी नहीं होता, जो लोग NITs में है, जादवपुर में है, IIIT में है, क्या वो लूजर्स है? बिल्कुल नहीं। एक एग्जामिनेशन है, कोई थोड़ा सा आगे निकल जाता है, कोई थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने कितना मेहनत दिया था। मुझे पता था कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारे थे, नहीं हुआ ठीक है, शायद कुछ कमियां रह गई होंगी, मेथोडोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स रह गए होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ए लूज़र इन ए लाइफ। सो ये मैसेज मुझे कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि आपका अगर जेई में एडवांस नहीं हुआ, IIT नहीं हुआ तो आपका लाइफ ख़त्म है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो। हो सकता है एक एग्जामिनेशन आपका ख़राब चला जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका लाइफ ख़त्म हो जाए। हाँ, आप बहुत कुछ शायद मिस कर रहे होंगे, लेकिन यू विल बी इवेंचुअली, अगर आपने अपने हार्डवर्क पर ट्रस्ट किया देन यू विल श्योरली गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। सो थोड़ा सा एक मैसेज शेयर करना चाहता था। और अगर आपको मेरा IIT JEE का एग्जाम डे के बारे में जानना है या फिर कौन सी वो मिस्टेक्स मैंने की थी वो जानना है, तो मुझे जल्दी से कमेंट आउट करो, मैं जल्दी श्योरली वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।